रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज वैभव गुप्ता एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ टीडीपी। टीडीपी इज कॉल्ड टूटा दिल पार्टी। तो पहले चार लाइनें मैं टीडीपी के मेंबर्स को डेडिकेट करता हूं कि दिल को समझाने की कोशिश मैं तो हर बार करता हूं, दिल को समझाने की कोशिश मैं तो हर बार करता हूं, तू किसी और की है क्यों ना ये स्वीकार करता हूं, और सोचता हूं कि बेवफाई का इल्जाम कैसे दूं, तू जैसी भी है मैं तुझसे अभी तक प्यार करता हूं। जो लोग प्यार को एक खेल की तरह समझते हैं उनके लिए ये चार लाइनें हैं कि वो मखमली एहसास भी अपनी चमक खोते रहे, वो मखमली एहसास भी अपनी चमक खोते रहे, देकर हमें बेचैनियां वो चैन से सोते रहे, और इस प्यार को एक खेल समझने का यही अंजाम था, हम हार कर हंसते रहे वो जीत कर रोते रहे। अभी अभी वैलेंटाइन्स डे गया, उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था तो मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मेरे इस ब्रेकअप को समर्पित ये चार लाइनें कि प्रॉमिस डे पे ये वादे हजार देती, प्रॉमिस डे पे ये वादे हजार देती है, हमसे ज्यादा तो ये टैडी को प्यार देती है, और वैलेंटाइन्स डे पे कराती है ये खर्चे इतने, इश्क का भूत ये सर से उतार देती है, इश्क का भूत ये सर से उतार देती है। और दोस्तों मुझे पता है कि प्यार मोहब्बत की कविताओं पे जो लोग आह और वाह नहीं कर रहे हैं ये सब मैकेनिकल इंजीनियर हैं। प्यार मोहब्बत और लड़की से इनका दूर दूर का कोई नाता नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर तो पैदा भी उस हॉस्पिटल में होते हैं जहां नर्सें नहीं होती, सिर्फ वार्ड बॉय होते हैं। देश की संसद में ईमानदार नेता का पाया जाना और मैकेनिकल ब्रांच में खूबसूरत लड़की का पाया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती है। कुछ दिनों पहले मैंने पद्मावत देखी और उसका बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि रेत की नाव लेकर जो समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत। तो मैकेनिकल वालों के लिए चार लाइनें मैंने इसी तर्ज पे लिखी है कि प्यार मोहब्बत को जो ईडी ड्राफ्टर की नोक पे रखे वो मैकेनिकल इंजीनियर, फेसबुक प्रोफाइल पर फॉरएवर सिंगल का स्टेटस लगाए वो मैकेनिकल इंजीनियर, वैलेंटाइन्स डे पे जो बजरंग दल में शामिल हो जाए वो मैकेनिकल इंजीनियर, जाओ जाकर कह दो प्रिया प्रकाश वेरियर से ये मैकेनिकल के लड़के हैं, ना कभी पिघले थे ना कभी पिघलेंगे। अच्छा, देश की राजनीति में मैं आपको चार पंक्तियां सुनाता हूँ। सबके दिलों में यूं ही अपना घर बना लिया, ठोकर को हमने मील का पत्थर बना लिया, ठोकर को हमने मील का पत्थर बना लिया, कि नदियों ने जो अपमान किया बूंद समझ कर, नदियों ने जो अपमान किया बूंद समझ कर, हमने उन्हीं बूंदों से समंदर बना लिया। तो मैं सैनिक कविता आप लोगों को सुनाता हूं कि निर्जन जंगलों में घाटियों में दलदलों में, निर्जन जंगलों में घाटियों में दलदलों में, सूर्य की किरण जहां भी नहीं पाती है, अन्न नहीं जल नहीं चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है, और धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है, माँ भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं, जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है, कि हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो अपनी वीरता का लाल रंग भर आया है, दुश्मनों के सारे दंभ पल में ही चूर किए, भारती का ऊंचा देखो करके सर आया है, और लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, वादा किया पूरा देखो लौट कर आया है,
के पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। और एक नेताजी ने अभी भी बयान दिया कि सैनिकों को शहादत के लिए, देश के लिए अपनी जान देने के लिए सैलरी दी जाती है। ऐसे नेताओं को जवाब देने के लिए मेरे ही अग्रज विनीत चौहान जी ने चार पंक्तियां बहुत सुंदर कही कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, मैं 20-20 लाख देता हूं इन किस्मत के हेटों को, मैं 20-20 लाख देता हूं इन किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। तो जब एक सैनिक शहीद होता है तो देखिए उसके परिवार का क्या क्या जाता है। कि अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो उनको रोला के कैसे दूर चला गया, कि खोके सुद बुद्ध एक कोने में खड़ा हुआ है पिता के तो कांधों का गुरूर चला गया, कि अश्रुधार से वो सारी स्मृतियों को धो रही है बूढ़ी माँ की आंखों का तो नूर चला गया, कि बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया, कि देश यज्ञ में जिन्होंने प्राणों को आहुति दे दी ऐसे वीरों को तो सूर्य करता प्रणाम है, देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं इसीलिए सबके घरों में आराम है, भारत की आन है वो, भारत की शान है वो, मेरे सारे गीत आज सैनिकों के नाम है, कि जिनकी शहादतों पे देश ये खड़ा हुआ है ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है। बशीर बद्र साहब की इन दो पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव बीन वॉच द लेटेस्ट कॉमेडी म्यूजिक एंड पोएट्री वीडियोस ओनली ऑन नोजोटो ऐप, डाउनलोड द ऐप नाउ।